तो जय ने कितना कितना मार्क्स स्कोर किया चार करेक्ट किया चार करेक्ट करने पर कितना मिला उसको प्लस फाइव तो मिला होगा ओके प्लस फाइव तो मिला होगा और माइनस कितना किया माइनस तो किया माइनस करने पर कितना मिलेगा दो माइनस कितना किया नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना है उनमें से चार घटा दीजिए वो तो राइट है वो आ, माइनस किया इक्वल टू मेरा उसको मार्क्स कितना मिला वो लिख लेते माइनस ट्वेल्व ओके okay, ये थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे जगह नहीं इसलिए। 12, है इसलिए माइनस टू टूएल इक्वल टू का उधर है ओके इक्वल टू का उधार है अब देखिए क्या करेंगे आ, ये मल्टीप्लाई करेंगे फाइव फोर जो ट्वेंटी हो जाएगा और उसको एच इट इज रे नहीं देते माइनस टू माइनस टू और क्या है एन माइनस फोर अब ये जो यहाँ पर इक्वल टू माइनस टू ये माइनस टूवेल्ली अच्छे से पहले लिख लेते पता चलेगा तो यहाँ से ये माइनस टू एल्व जो है ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा टूएल्व प्लस ट्वेंटी थर्टी टू हो जाएगा इक्वल टू अब ये माइनस टू उधर जाएगा तो क्या होगा टू हो जाएगा और मेरा है एन माइनस फोर अब कीजिए थर्टी टू इक्वल्स टू टू एन माइनस टू फोर जो एट अब ये माइनस एट जो है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा फोर्टी इक्ल्स टू टू एन तो एन इक्ल्स टू कितना हो जाएगा ट्वेंटी एन इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा ट्वेंटी ओके okay. अब मुझे क्या करना है हाउ मेनी ऑफ इज आंसर वेयर इनकरेक्ट इनकरेक्ट आंसर उसका कितना था नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे एन जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मिल गया है ट्वेंटी तो उसने कितना इनकरेक्ट किया तो करेक्ट तो उसने चार किया होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है ट्वेंटी है उसमें से चार तो उसने करेक्ट किया मतलब बीस में से चार उसने करेक्ट किया है तो बचेगा कितना सोलह सोलह जो उसने इनकरेक्ट किया है थैंक यू